दोस्तों अभी इस वीडियो में हम स्क्वायर रूट ऑफ 201 बाय डिवीजन मेथड कैसे निकालें, बिल्कुल सिंपल आसान शब्दों में समझेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अपना डिवीजन मेथड में ध्यान से समझना, ये आपका 1 2 3 डिजिट का नंबर है, तो 1 2 यानी 2 डिजिट का ग्रुप बनाना है, ठीक है। अंदर आपका जो आ गया है वो 1 डिजिट का भी नंबर हो सकता है, 2 डिजिट का भी नंबर हो सकता है। यहाँ हमारा कितना आ गया, 2, जो कि 1 डिजिट का नंबर है। इसको हम बाहर लेंगे और इसके आधार पे हम एक ऐसी संख्या का चुनाव करेंगे जिसका खुद के साथ मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आ रहा है वो आपका लेस देन, यहाँ 2 है तो इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, क्या रहना चाहिए, लेस देन 2 रहना चाहिए। आगे जैसे हम 2 मल्टीप्लाई 2 करें तो कितना आ गया, 4, ये आपका ग्रेटर देन 2 है तो हम इसको नहीं लेंगे, इससे पहले वाला संख्या को ले लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे इनका देखिए ऐसे मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी इस संख्या को, जिस संख्या को हमने यहाँ सेलेक्ट किया है उसको ऐसे व्यवस्थित किया जाएगा, 1 1 इनका मल्टीप्लाई यहाँ लिख दिया। उसके बाद इस संख्या को, जिस संख्या को यहाँ लेकर चल रहे हैं उसको एक बार यहाँ लिखा जाएगा। और दोस्तों आप जानते हैं कि हम अपना स्क्वायर रूट को किसके द्वारा लिखते हैं, अंडरूट सिंबल के द्वारा लिखते हैं, यानी अंडरूट 201 का भी हम वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनको दोस्तों उसके बाद ऐड किया जाता है, इसको माइनस किया जाता है। यहाँ जो अगला ग्रुप है इसको हम यहाँ ले आते हैं, यहाँ कितना बन गया, देखिए आपका 101 बन गया। अब हम ये जो 2 है इसके साथ ऐसी कौन सी संख्या लें उसका मल्टीप्लाई करें कि आपका इसके इक्वल टू या लेस देन 101 रहना चाहिए। देखिए 4 लिया, 4 का मल्टीप्लाई किया कितना, 96 आ गया। देखिए जस्ट लेस देन रहना चाहिए, यानी थोड़ा कम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, ध्यान रखें। यदि इसके साथ आप 5 लेंगे, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, ग्रेटर देन 101 आ जाएगा, यानी 5 से एक छोटा नंबर लेना, ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। किसको लिया दोस्तों हमने, अपना 4 को, जिसको लेते हैं तुरंत यहाँ लिख दो। उसके बाद इसको माइनस किया कितना आ गया, 5। आगे प्रोसेस करने के लिए हम पॉइंट लगाते हैं और इसके साथ आपका 00 आएगा, ध्यान क्या रखना है, पॉइंट लगाने के बाद यहाँ क्या आएगा, 00 आएगा, इनको ऐड करना है। अब देखिए हम इसके साथ 2 लेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेटर देन 500 आ रहा है, मतलब 2 नहीं ले सकते हैं, तो हम क्या लेते हैं, फिर 1 लेते हैं। यदि 1 को भी नहीं ले सकते हैं तो फिर उसके कंडीशन में क्या लिया जाता है, 0 को लिया जाता है। कितना आ गया, 281 आ गया, ओके। इनका मल्टीप्लाई करने पर किसको लिया हमने दोस्तों, 1 को, तो इसको यहाँ लिख देंगे। उसके बाद माइनस किया कितना, 9 1 2, ठीक है। अब देखिए इनको क्या करना है, हमें ऐड करना है, 282 आ गया। यहाँ पर हमने पॉइंट लगा रखा है तो इसके साथ क्या लगा देंगे, 00। अब इसके साथ देख से दोस्तों हम 7 लेते हैं, 7 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 7 7 49, 4 के लिए चला गया, 14 कितना, 18, 1 के लिए चला गया, 7 8 56, 1 57, 5 के लिए चला गया, 7 2 14 और 5 कितना, 19 आ गया। अब 8 लेंगे, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ग्रेटर देन 21900 आएगा, आप चेक कर सकते हैं। तो हमने किसको लिया यहाँ पे, अपना 7 को लिया है। उसके बाद फिर वही आपका स्टेप रिपीट होगा, माइनस करना है, इसको प्लस करना है, आप जहाँ तक निकालना चाहते हैं वहाँ तक निकाल सकते हैं। तो अंडरूट 201 का वैल्यू कितना आ गया, ये वाला 14.17 अप्रोक्सीमेट आपका ये वैल्यू निकलता है। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताएं, चैनल सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। आने वाले वीडियो में दोस्तों हम फिर मिलते हैं।